एक सुबह से टेंट लगा था, एक बैनर लगाया गया था, बैनर में लिखा था मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान। इसमें नगर पालिका के कर्मचारी लगे हुए, सुबह 11 से लगभग 5 बजे तक यह शिविर था। वार्ड क्रमांक 13 में यह शिविर आयोजित किया गया था। आश्चर्य की बात है कि इस वार्ड में एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। शिकायतों के लिए आवेदन लगाया, यहाँ पर यह शिविर लगाया गया था। अब यहाँ से दो बातें निकल कर सामने आती, या तो नगर पालिका इतना अच्छा कार्य कर रही है कि लोग शिकायत मुक्त हो गए हैं, या फिर आवेदन न आने का एक यह भी रीजन हो सकता है कि लोगों का नगर पालिका पर से भरोसा उठ गया। अब जनप्रतिनिधियों को इस नाटक के बीच में यह सोचना होगा कि कहीं सुजालपुर भी कर्नाटक न बन जाए। नगर पालिका के कर्मचारी बताएं मैं सर, आज किस बात को लेकर शिविर आयोजित किया? मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत शासन के द्वारा कुल 67 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अंतर्गत आज शिविर लगाया गया था, इसी में नगर पालिका की तरफ से हम लोग यहाँ पर शिविर लगा के बैठे हैं। इसमें जैसे नगर पालिका के द्वारा सेवाएँ जैसे नामांतरण, नल कनेक्शन, इसी के लिए हम लोग आवेदन लेने बैठे थे यहाँ पर। आज वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 14 में शिविर लगे हुए थे। वार्ड नंबर 13 में अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। वार्ड नंबर 14 में कुल 3 आवेदन प्राप्त हुए। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर लोग इसलिए नहीं आए कि इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, लोगों को जानकारी का अभाव था? ये कैंप जो जनरली सेवाओं के लिए, जैसे नगर पालिका में नामांतरण, नल कनेक्शन, इसके लिए लगाया गया, तो ऑफिस में भी होता रहता है काम हमारे, तो एक ही भी कारण हो सकता है जिस कारण यहाँ पर आवेदन नहीं आया है। निश्चित ही इस कड़ाके की गर्मी में अधिकारी भी परेशान हुए और टेंट और जो अन्य खर्चे हैं वो भी नगर पालिका का वेस्टेज ही गया होगा। आखिर लोगों का भरोसा या नगर पालिका की कहाँ त्रुटि है, इस बात को लेकर नगर पालिका को समझना होगा, अन्यथा ऐसा ना हो कि ये शिविर की तरह आने वाले दिनों में वर्तमान सरकार के ऊपर ये इस तरह की नाराजगी भारी पड़े। खबर मध्य प्रदेश के लिए, दीपक सक्सेना के लिए।